सो गाइस, ये होने वाला है आई एम अ टाइकून इन अनदर वर्ल्ड का एपिसोड 42। तो चलो बिना ज्यादा देर के स्टार्ट करते हैं। तो पिछले एपिसोड के एंड में जिस तक हमने देखा था कि शूफेई के ये कहने पर कि मैं किसी और लड़की से प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पा सकता, शेनन तुरंत ही शूफेई के ऊपर आ गई थी एंड उसने शूफेई को किस कर लिया था। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं वहां पर एक काफी ज्यादा इंटेंस मूवमेंट चल रहा होता है, उन दोनों की बॉडी काफी ज्यादा हीट में आ रही होती है। शूफेई बोलता है कि शेनन, और जो शेनन होती है वो बोलती है, देखो तुम्हारे सवाल का ये रहा मेरा आंसर, अगर तुम किसी और को कहते हो तो मुझे इससे कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है और तुम उस लड़की को अपनी रखेल बनाकर रख सकते हो, लेकिन तुम मुझे नहीं छोड़ सकते हो। एंड उसके बाद जो शेनन होती है वो तुरंत ही अपने जगह पर चली जाती है और बोलती है, तुम मुझे इसीलिए नहीं छोड़ सकते क्योंकि तुम मेरे आदमी हो, मेरे हस्बैंड हो, और तुम्हारा मुझे छोड़कर जाना ये बिल्कुल नामुमकिन है। शूफेई उसकी हर एक बात सुन रहा था एंड उसके बाद शेनन बोलती है, एंड क्योंकि तुमने मुझसे ये बात कही ना कि तुम मुझे छोड़ दोगे, इसी वजह से मैं अचानक से तुम्हारे ऊपर आ गई और यू नो तुम्हें किस कर लिया। शूफेई उसकी बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर नर्वस हो जाता है, यानी शॉक्ड भी हो जाता है। सो वो उससे पूछता है शेनन से कि शेनन, आखिर तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हें ऐसी चीज़ें किसने सिखाई? हाँ, अगर तुम इस तरह की हरकत करोगी तो तुम्हें यहाँ काफ़ी ज़्यादा बड़ा नुकसान हो जा सकता है ना। शूफेई की ये सारी बातें सुनकर शेनन कुछ बोलती तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता, ये बोलती है लुओ सुओ एंड इसी के साथ वो दोनों सो जाते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पर सीन मिलता है और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सुबह हो गई थी और हुआंगफू मेंशन में हम शेनन को देखते हैं जो कि अपने भाले से मस्त प्रैक्टिस कर रही है, और जो शूफेई होता है वो उसे देखकर सोच रहा होता है ये सच में सुबह कितनी जल्दी उठ जाती है यार, प्रैक्टिस करना शुरू कर देती है। एंड जो शेनन होती है वो प्रैक्टिस करते हुए शूफेई को देख लेती है और बोलती है कि शूफेई तुम यहाँ क्यों नहीं आते। उसके बाद जब शूफेई शेनन के पास जाता है तो शेनन अपने भाले को एक तरफ रखते हुए उसे बोलती है कि कल रात मैंने ये नोटिस किया कि तुम्हारी जो ब्रीथ है वो अब थोड़ी ज्यादा बढ़ गई है और तुम बॉडी फोर रियल के पहले स्टेज पर पहुंच गए हो, क्या तुमने कभी फाउंडेशन बिल्डिंग पिल खाई है? हाँ? सो जो शूफेई होता है वो बोलता है कि हाँ, मैंने वो गोली खाई है जिसका अभी तुमने नाम लिया, वो मुझे प्रिंस निंग ने दी थी एक बार। उसकी ये बात सुनकर जो शेनन होती है वो बोलती है कि प्रिंस निंग, हाँ चलो ये ठीक है, अगर उसने तुम्हें ये गोली दी है तो मैं उसे एक ऐसी ही गोली देकर हिसाब चुकता कर दूंगी, ओके, यानी कि जो मैटर है उसे सॉल्व कर दूंगी। उसकी ये बात सुनकर शूफेई बोलता है, हाँ ये काफी अच्छी बात है, लेकिन मुझे आखिर उसकी ये बात समझ में नहीं आ रही है कि उसने मुझे ये गोली क्यों, और उसे देखकर लगता है कि वो थोड़ा बहुत तो अजीब है। सो उसकी बात सुनकर तभी शेनन बोलती है कि हाँ, क्योंकि वही एक लौता ऐसा प्रिंस है जो डिपोर्ट होने के बाद राज्य में वापस लौटा है। एंड उसके बाद वो प्रिंस निंग के बारे में बताते हुए बोलती है, उस बात को अब 10 साल से भी ज्यादा हो गए हैं जब उसके जो ग्रैंडफादर थे किंग जेंजी, उन्होंने राज विद्रोह कर दिया था, और किंग जेंजी की जो माँ और रखेल थी उन्होंने पैलेस में ही सुसाइड कर ली, लेकिन उस टाइम पर जो इंपीरियल ब्लड लाइन होने की वजह से उसे मौत की सजा नहीं दी गई, लेकिन उसे एक ऐसी जगह पर भेज दिया गया जो जगह बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। और दोस्तों मुझे सारी बातें सुनकर सच में कुछ समझ में नहीं आया। एंड उसके बाद शेनन प्रिंस निंग के बारे में बताती है, जो दूसरे जितने भी प्रिंस थे वो सभी राजगद्दी के पीछे पड़े हुए थे, उसके लिए फाइट कर रहे थे, लेकिन जब ये प्रिंस वापस आया तब उसने फूलों का शिकार करना शुरू कर दिया। वो हर दिन किसी ना किसी से झगड़ा करता रहता या फिर मारपीट करता रहता, उसने वो हर एक काम किया जो एक प्रिंस कभी भी नहीं करता। एंड उसके बाद वो प्रिंस निंग के बारे में बताती है, लेकिन जब कुछ टाइम पर उसकी इन्वेस्टिगेशन चली और लोगों को पता चला कि वो सीक्रेटली पावर की कल्टीवेशन नहीं करता था, ना ही उसने ऐसे दोस्त बनाए जो काफी ज्यादा पावरफुल हों, एंड इन सारी चीजों के बाद सभी को लगने लगा कि वो तो बस एक बेकार सा प्रिंस है जो किसी भी काम को करने के लायक नहीं है। सो तभी उसकी ये सारी बातें सुनकर शूफेई बोलता है, लेकिन आखिर उसने मुझे फाउंडेशन बिल्डिंग पिल क्यों दी? तो तभी शेनन शूफेई का हाथ पकड़ती है और उसे बोलती है, ये काफी अच्छी बात है कि उसने तुम्हें एक फाउंडेशन बिल्डिंग पिल दी, अगर उसने तुम्हें वो पिल नहीं दी होती तो मैं तुम्हें देती, मतलब कहीं ना कहीं से ढूंढ कर लाती और तुम्हें वो फाउंडेशन बिल्डिंग पिल देती। एंड उसके बाद जो शेनन होती है वो शूफेई के हाथ पैर और सिर पीठ की हड्डियों को चेक करके बोलती है, जब से तुमने फाउंडेशन बिल्डिंग पिल ली है उसके बाद से तुम्हारी जो टेंडन्स एंड बोन्स हैं वो हैरान होते हुए बोलती है कि तुम्हारी हड्डियां तो। सो उसके इस हैरानी भरे एक्सप्रेशन को देखकर शूफेई बोलता है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं 10,000 में से एक महान मार्शल आर्टिस्ट हूँ? हाँ। सो शेनन उससे बोलती है कि नहीं, इतनी बुरी नहीं है तुम्हारी बोन। उसकी ये बात सुनकर शूफेई थोड़ा काइंड ऑफ अपसेट हो जाता है। एंड उसके बाद शेनन बोलती है, लेकिन सच में ये काफी अच्छी बात है कि तुम्हारी जो बोन्स और तुम्हारा बॉडी का स्ट्रक्चर जितना भी फिट था वो काफी ज्यादा इससे अच्छा हो गया है, और वैसे भी तुम्हें थोड़ी युद्ध भूमि में दुश्मनों से लड़ने के लिए जाना है, तुम्हारी बॉडी इतनी ज्यादा अच्छी है कि तुम अपनी खुद की जान बचाने के लिए फाइट कर सकते हो। उसकी बात सुनकर शूफेई उससे पूछता है कि तुम मुझे बताओ कि आखिर मैं प्रैक्टिस कैसे कर सकता हूँ। सो शेनन उसे अपने हाथों के जादू का कमाल दिखाती है, यानी कि वो उसके हाथ में हम देखते हैं दोस्तों आग लगी हुई है, और वो शूफेई से बोलती है, मैं तुम्हारी बॉडी में
ट्रू QI ऑफ द फायर को इम्यू कर दूंगी, जिसके बाद तुम मेरे साथ फायर बैटल सॉन्ग की प्रैक्टिस किया करोगे, ओके? उसके बाद यहाँ पर सीन बनता है, कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शेंग नैन शूफे की बॉडी में फायर QI को इंजेक्ट कर रही होती है और वो बोलती है अगर तुम नॉर्मल तरीके से कल्टीवेशन करोगे ना तो तुम्हें ट्रू QI को मास्टर करने में कई साल लग जाएंगे। शेंग नैन की बात सुनकर शूफे बोलता है शेंग नैन लेकिन अगर तुमने इस तरीके से मुझ में ट्रू QI और फायर को इंजेक्ट किया तो मुझसे मुझे कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना। सो जो शेंग नैन होती है वो मुस्कुरा कर बोलती है देखो मैं अपनी ट्रू QI को तुम्हारी बॉडी के साथ कनेक्ट कर रही हूँ, इससे तुम्हें कुछ भी ज्यादा खास नुकसान नहीं होने वाला है, ओके? और ना ही इससे मुझे कुछ खास नुकसान होगा। एंड उसके बाद हम शूफे को देखते हैं जिसकी पूरी बॉडी के चारों ओर ट्रू QI ऑफ फायर यानी कि काफी एनर्जी दिख रही है और जो शूफे है वो सोच रहा होता है कि मेरी बॉडी काफी ज्यादा हॉट फील कर रही है, ये कितना ज्यादा अमेजिंग है। एंड जो शेंगनन होती है वो बोलती है देखो बस काम खत्म हो ही गया है, बस हो गया। एंड उसके बाद वो शूफे के सिर से हाथ हटाते हुए बोलती है कि अब तुम खड़े हो सकते हो। उसके बाद हम शूफे को देखते हैं जो अभी तो अपनी आंखें बंद किए हुए हैं लेकिन अगली मिनट में वो अपनी आंखें खोल लेता है। एंड उसके बाद जब वो खड़ा होता है तो वो अपनी पूरी बॉडी में देखता है जहां पर से कल्टीवेशन पावर उसे दिख रही थी। एंड वो ये सार देखकर बोलता है कि क्या ये सच में ट्रू QI है। एंड उसके बाद वो शेंगनन से पूछता है क्या मैं अब एक मार्शल आर्टिस्ट मास्टर बन चुका हूँ। हाँ, सो शेंगनन बोलती है जो फाउंडेशन बिल्डिंग पिल तुमने खाई थी उसकी वजह से तुम्हारा कल्टीवेशन में काफी कम वक्त लगेगा, यानी कि तुम आगे बढ़ने में काफी कम वक्त लगेगा एंड वो तुम्हारे लिए काफी अच्छा फायदे का सौदा हुआ है। वैसे अब तुम इस सामने पड़े हुए पत्थर को ना अपने हाथ से तोड़ने की कोशिश करो। सो उस पत्थर को देखकर शूफे सोचता है कि सच में क्या मुझे इतने मोटे पत्थर को तोड़ना होगा। सो शेंगनन मुस्कुराकर बोलती है अपनी बॉडी में QI पर फोकस करो और कॉन्सेंट्रेट करो अपनी ट्रू QI को पावर के रूप में कलेक्ट करने की। एंड उसके बाद उस कलेक्ट हुई कल्टीवेशन पावर को अपने एनिमी के ऊपर अटैक करने के लिए उसकी तरफ रिलीज करो। उसके बाद जब तुम्हें किसी को पीटना हो तो तुम अपनी उस ट्रू QI को अपने मुक्के में कॉन्सेंट्रेट करके इकट्ठा कर सकते हो एंड उसके बाद उसे मारने की कोशिश कर सकते हो, ओके? सो उसकी बात सुनकर शूफे को जोश आ जाता है और वो बोलता है कि ठीक है। एंड उसके बाद शूफे उस पत्थर को तोड़ने के लिए अपना मुक्का ऊपर उठा लेता है एंड हम देखते हैं उसके मुक्के में ट्रू QI कॉन्सेंट्रेट हो रहा था, यानी कि वो फोकस कर रहा था QI पर। एंड उसके बाद जब शूफे उस बड़े से मोटे पत्थर में अपना पंच मारता है तो हम देखते हैं कि जो पत्थर था वो टूट जाता है यानी कि उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। ये देखकर शूफे काफी ज्यादा खुश होते हुए बोलता है सच में क्या ये सच है, मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ, मैंने इस बड़े से मोटे पत्थर को सिर्फ अपने एक ही पंच से तोड़ दिया, सच में मैं कितना ज्यादा अमेजिंग हूँ, मैं काफी ज्यादा पावरफुल हो गया हूँ। शूफे को इस तरीके से देखकर शेंगनन बोलती है कि हाँ तुम कर सकते हो और तुम इतने बुरे भी नहीं हो कल्टीवेशन में, लेकिन तुम्हें आने वाले फ्यूचर में और भी ज्यादा कल्टीवेशन की प्रैक्टिस करने की जरूरत है, समझे? उसकी बात सुनकर शूफे उससे बोलता है कि शेंगनन अभी तक मैं जितने भी लोगों से मिला हूँ ना वो सारे के सारे लोग ये कहते हैं कि तुम्हारी जो मार्शल आर्टिस्ट की स्किल्स हैं वो पूरी दुनिया में टॉप 3 में से एक की हैं। हाँ, क्या तुम मुझे ये दिखा सकती हो कि तुम कितनी ज्यादा पावरफुल हो? तो जो शेंगनन होती है वो शूफे की ये बात सुनकर उससे बोलती है मैं आखिर तुम्हें डिस्क्राइब कैसे करूं, बट तुम जिस तरीके से अपने एक ही पंच से इतने मोटे पत्थर को तोड़ सकते हो वैसे ही मैं। एंड उसके बाद हम देखते हैं जो शेंगनन होती है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करने लगती है एंड वो अपनी ट्रू QI से उन पत्थरों को हवा में उड़ा लेती है, ये कितना ज्यादा अमेजिंग है। एंड इसी के साथ दोस्तों हमारा ये एपिसोड यहाँ पर समाप्त हो जाता है। अगर तुम लोग जानना चाहते हो आगे के एपिसोड्स में क्या क्या इंटरेस्टिंग होने वाला है तो उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि इस एपिसोड का कौन सा पार्ट तुम्हें अच्छा लगा एंड इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स को शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सायोनारा।